कुशल कुमार की का एक हम लोग दोहराते थे जुमला जेबीके के बारे में, जिसमें जेबी की तुलना थी अंधेरी कोठरी में एक सुराग जिससे रोशनी आ गई है। ये पूरा देश अंधेरी कोठरी बन जैसा बन गया है, उसमें एक सुराग है जिसमें से रोशनी आ रही है, और वो एक बड़ी राहत की बात है। वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा इस समय, क्या गया जी? एक बूढ़ा मुल्क में है, या यो कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशन दान है। ये है कई रोशनदान की जरूरत भी नहीं पड़ती है, कई बार एक रोशनदान से काम चल जाता है, और एक रोशन हुआ चिराग कई चिरागों को रोशन कर सकता है। और जब जब संकट आता है तब ऐसा ही होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब देवी प्रसाद त्रिपाठी जी JNU स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने, तब वो एक अलग तरह का समय था। JNU ने एक तरह की रोशनी पूरे देश में दिखाई उस समय, कि जहां भर्ती होने के अपने अनूठे नियम थे और पूरे देश से लोग वहां आए और ज्ञान अर्जित किए। ये जो हिंदी पत्रकारिता की हम लोग आज बात करने बैठे हैं, ये ऐसे ही निस्तेज नहीं हो गई है। हमें याद है कि जब दिन मान निकलता था और रघुवीर साहिब जी उसके संपादक थे, उसके पहले अकेले जी थे, तो 4-6 ऐसी पत्रिकाएं थी जो साहित्य की थी मूलतः, लेकिन राजनीति पर उनका उनकी टिप्पणी बहुत तीखी सामयिक और संदर्भ से होती थी, और धीरे धीरे उसका पूरा कलेवर उन पत्रिकाओं का साहित्य के साथ साथ राजनीति का हो गया, और बड़े पैमाने पर वो पढ़े जाने लगे। उसके बाद रघुवीर साहिब जी के बाद और उसके पहले भी हिंदी पत्रकारिता में बड़े बड़े नक्षत्र पैदा हुए। अंग्रेज के खिलाफ जब लड़ाई चल रही थी तब भी थे और उसके बाद भी रहे, और इमरजेंसी के बाद भी और दौरान भी रहे। उनके नाम अभी कुछ लिए गए हैं। देवी प्रसाद त्रिपाठी जी उन सक्रियतावादियों में से हैं जो अपनी पहचान करीब करीब हर क्षेत्र में बनाए रखते हैं। साहित्य की चर्चा करो तो कंठस्थ हैं, कई पन्ने किताबें कंठस्थ हैं। पुराण वेद की चर्चा करो तो त्रिपाठी जी को वेद पुराण कंठस्थ हैं। मतलब आप विषय छेड़ दीजिए और उनको सुनते हुए मोहित हो जाएंगे। ऐसे लोग तब छात्र संघों के अध्यक्ष बना करते थे। ऐसे नहीं कि फर्जी डिग्री चेन्नई से ले आए और दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन जाए। हमें मालूम है कि जब हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो कैसी बारीकी से छानबीन करके अपने अगल बगल के लोगों को चेक करते थे कि गलती से भी कहीं कोई अनैतिक काम करने वाला व्यक्ति आसपास ही न फटके। इसके लिए चौकीदार की तरह, आज के चौकीदार की तरह नहीं, चौकीदार की तरह हम लोग चौकन्ने रहते थे कि नैतिकता पर चरित्र पर कोई दाग कहीं आने नहीं पाए। मैं त्रिपाठी जी से अनुरोध करता हूं कि शायद अगर अच्छा हो तो पूरे समय बैठे हैं, लेकिन अगर अपना वक्तव्य पहले दे दें तो उससे चर्चा में आसानी होगी। त्रिपाठी जी और प्रोफेसर राजकुमार जैन और धानी जी और जो गए हैं, आपको ये तो पता ही चल गया हो कि मैं और आलोक दोनों भिंड जिले के हैं और आसपास के गांव के हैं, और भिंड वाले बड़े ढीठ होते हैं। बदनाम क्यों भिंड मुरैना है जब देश पे राज है डाकुओं का।
पंडित जी कह रहे हैं हम दोनों भेटे के थे आलोक जी और मैं भी है तो तब भिंड में डकैती समस्या बड़े विकराल हो गए थे और मैं एक गैर वैधानिक उम्र में मंत्री बन गया था 24.5 साल की उम्र गलती से अनदेखी में बाद में जब पता चला तो मैंने खुद ही उजागर किया और मेरे खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन हुई और मैं हारा लेकिन उसी दिन लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हो गया फिर मैं चुनाव लोकसभा में सही उम्र में धरा लेकिन उस चुनाव में मैंने छोड़ी उसकी चीज जिक्र नहीं कर रहा तो हम बड़े ढीठ हैं आलोक भी बड़ा ढीठ था और जिद्दी था और कभी कभी पत्रकारिता में जिद्दीपन प्रतिबद्धता की कटिबद्धता की वैचारिकता की पहचान बनता है मुझे याद है कि जब ये डकैती की मैं चर्चा कर रहा था तब उस समय हमारे दोस्त हुआ करते थे सुरेंद्र प्रताप उदयन शर्मा एनजी अकबर जो नए नए चौकीदार आज बन रहे हैं कह दिया अरे मैं भी चौकीदार हूं तब कलकत्ता से एक नई तरह की पत्रकारिता का उदय हुआ दिल्ली से नहीं कलकत्ता से और ये निकाली गई मैगजीन्स रविवार संडे वगैरह और उन्होंने एक तेवर बदला तो वो राजनीति और क्राइम पर और खुशी पत्रकारिता तीन विषयों पर केंद्रित होकर के उन्होंने रविवार संडे निकाला टेलीग्राफ बाद में निकला टेलीग्राफ तो आजकल कमाल कर रहा है अगर आप टेलीग्राफ का मुख पृष्ठ ही देख लें तो दिन बन जाता है सिर्फ मुख पृष्ठ देख लेने से हेडलाइन देख लेने से मेरे पास तब वो आते थे सत्रों कि भाई मेरी मुलाकात करा दो किनसे डकैतों से क्योंकि उन्हें स्कूप है पत्रकारिता का तो मैंने कहा मैं नहीं करा सकता हूं मैं बता सकता हूं कि किस गांव में कौन आदमी करा सकता है एक दिन अश्विनी सरीन आए उन्हीं ने इंडियन एक्सप्रेस वाले और उन्होंने मुझसे कहा कि सुना है मुरैना में कहीं महिलाओं की स्थितियों की मंडी लगती है बिक्री की मैंने कहा सुना तो मैंने भी है मैं गांव का नाम सुना है आप जाना चाहते हो उन्होंने कहा इसीलिए तो मैं आया हूँ तो उनको तैयार किया उनकी वेशभूषा बदली गई मोटरसाइकिल उनको दी गई कि जाओ मोटरसाइकिल से जाओ और तब कमला कांड हुआ इंडियन एक्सप्रेस उदयन शर्मा चाहते थे कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मलखान का उनको मिले मिला पूनम का भी मिला और एसपी मुझसे नाराज हुए कि यार ये काम तो मुझे दे सकते थे तब आलोक बहुत छोटे थे और उन्होंने कहा कि आप मुझे जीप के पीछे ही बिठा दो रात में जहां जाना है तो मैंने कहा एक शर्त पर कि ये वादा तो उदयन के लिए है उदयन ये रिपोर्टिंग करेंगे तो जाके सब देखना तो खैर वो गए ये अलग बात है कि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि 1981 में 146 डकैतों का समर्पण उसके पहले जीपी के सामने हुआ था बहुत बड़ा डकैत समर्पण और 81 में एक बार हुआ सत्ता विमुख व्यक्ति के सामने और एक बार हुआ सत्ता विमुख अर्जुन सिंह के सामने जिसमें ए से लेकर जेड तक सब किया मैंने लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आया मैंने आने नहीं दिया तो तब इनकी अलग समस्याएं सामने आई और आलोक ने फिर बाद में उस पर लिखना शुरू किया ये जो मैं बात कर रहा था सिर्फ इसलिए कर रहा था कि कमला के लिए किसी ने प्रयास किया भागलपुर का आंख फोड़ने वाला कांड किसी ने प्रयास किया देखा लिखा अंतले वाला जो कांड था वो किसी ने देखा लिखा हो जाए हमारे जमाने में मतलब हम जब युवक थे तब यूनियन कार्बाइड हुई तो राजकुमार केसवानी ने जो देखा से लिखा पहले भी लिखा बाद में भी लिखा सही है
ये हिंदी पत्रकारिता के ही उदाहरण है। तभी सरकारें थी, यही नियम कायदे थे, यही व्यवस्थाएं मजबूरियां शायद इतनी ही थी या ज्यादा या इससे ज्यादा रही होंगी। पत्रकारों को तो वेतन भुगतान वगैरह भी बहुत कम होता था, बहुत ही कम। इतना कि आप अगर सुन लो, जैसे मैं बताता हूं कि स्वदेश ग्वालियर में आलोक कुंवर को पहला भुगतान 450 रुपये महीने का था, और सुविधा ये थी कि उस प्रेस के में रहो, वही सुबह झाड़ू लगाओ, वही रहो, तो तुम्हारा रहने का भी इंतजाम हो जाएगा। और मैं जानता हूं कि तमाम पत्रकार इन्हीं अभावों के चलते हुए अपनी जिम्मेदारी, दायित्व, कर्तव्य बोध को पूरा करते थे। ऐसा क्या हो गया कि आज साधन है पहले से ज्यादा है, आज सोशल मीडिया की वजह से आपको कोई हाथ लगाएगा तो उसी क्षण पूरी देश दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि चुप्पी छा गई है, और हिंदी पत्रकारिता तो इस मामले में अपनी मिसाल कायम कर रही है कि कोई खबर नहीं है पूरे अखबार में। टाइम्स ऑफ इंडिया को हम लोग कभी बड़ा अखबार नहीं मानते आए हैं, क्योंकि उसके तो मालिक ने ही जब से कह दिया कि हम खबरों के धंधों में नहीं, हम विज्ञापन के धंधों में हैं। तो अगर दिवाली के 10 दिन पहले 20 दिन पहले 120 पेज का टाइम्स ऑफ इंडिया निकलता है जिसमें 96 पेज विज्ञापन के होते हैं, तो आश्चर्य नहीं है। लेकिन ये जो हिंदी पत्रकारिता की परंपरा थी, संघर्ष की, वो कहां लुप्त हो गई और क्यों लुप्त हो गई, ये बहुत गंभीर प्रश्न सबके सामने है। क्योंकि आखिरकार प्रतिपक्ष के प्रति झुका हुआ होना चाहिए मीडिया, पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। ये जितना सही है और उचित है उतनी ही सही ये बात है कि उसका झुकाव थोड़ी सी प्रतिपक्ष की ओर होना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास तो और भी माध्यम है अपनी बात कहने के। प्रतिपक्ष के पास मीडिया पत्रकारिता के अलावा कोई अन्य माध्यम नहीं है। इसलिए इस गंभीर प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं देखता हूं, मैं कभी कभी गुजरात अभी भी जाता हूं, वह एक छोटा अखबार, स्थानीय अखबार है गुजरात समाचार। आप गुजरात समाचार में जो हेडलाइन देखते हैं वो पढ़ के मैं तब होता हूं कि गुजरात समाचार इतनी हिम्मत कर लेता है, और हिंदी के अखबार तो ऐसे लगता है जैसे मोनी बाबा के साक्षात छपे हुए संस्करण हो गए हैं। कुछ नहीं बोलते हैं, भर देते हैं अखबार, लेकिन है क्या, तत्व तो क्या है उसमें, तत्व तो एकदम उसमें से नदारद है। कल अशोक जी की मैं चर्चा सुन रहा था टीवी पर, और अशोक जी उन लोगों में से हैं, ये मैं पहले बता दूं कि मेरा शुरू शुरू में बड़ा इनका एक खास तरह का याराना रहा है, झगड़ा बहुत रहा है अपने बीच में, लेकिन उससे क्या होता है वो एक अलग बात थी। इस अंधेरे कोठरी में एक रोशन नाम है, ये जो बूढ़ा आदमी आज जो हो गया है ये भी हमारे समय काल का एक रोशन नाम है। अशोक जी ने संस्कृत में जो स्थापित किया संस्थान, कला क्षेत्र में जो जागरण पैदा किया, कविता के माध्यम से प्रेम के वातावरण को पुनर्स्थापित किया, और फिर ये कहा कि नहीं, मैं मृत्यु का कवि हूं, और लोगों को इस दोनों रूप में, इन सारे रूपों में मेरे जैसा व्यक्ति उनसे प्यार करने लगा है अशोक जी से। मैं चाहता हूं अशोक जी साहित्य, संस्कृति, कविता, कलाकर्म, इन सारे विषयों को समेटते हुए हमें बोले, समय है भी, आप आराम से बोल सकते हैं, जब कम होगा तो लोगों को बता देते। ये साहस चाहिए, दुस्साहस भी चाहिए, और क्षमता चाहिए मानसिक टिकने की। मुझे ये कहने में उनके सामने कोई गुरेज नहीं है कि रवीश ऐसी आवाज है। आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे जब अज्ञानता में रवीश कुमार बाजार में जाएं और कोई दुकानदार कह दे कि हम देशद्रोहियों को सामान नहीं देते,
ये कितनी लंबी लड़ाई चलने वाली है, जिसमें लोगों को ये समझाया जाए कि जो प्रश्न कर रहा है रमेश किसके लिए कर रहा है, या पत्रकार जो प्रश्न कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं जो उस देश का समाज है जो खतरे में है। मैं समझता हूं कि रमेश, मैं चाहता भी हूं कि रमेश कुछ ज्यादा बोले आज, यानी पूरा बोले, अभी हमारे पास समय है, खुलकर भी बोले जैसा कि बोलते आए हैं, और वैसा भी बोले जो वो शायद न बोल पाया और यहां बोलना चाहे। अगर है सब, क्योंकि देखिए बिल्कुल साफ बात है, अशोक जी से भी मेरी चर्चा हो रही थी, तो हमने कहा कि सच की लड़ाई के लिए सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। ये तीसरी आजादी की लड़ाई शुरू होने वाली है, तीसरी, दूसरी बहुत आसान थी, डेढ़ पौने दो साल में खत्म हो गई, पहली सैकड़ों साल चली। इसका दोष किसको है कि आज की जो पीढ़ी है उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। हमने ही पिछले 70 वर्षों में ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना दी जिसमें सिर्फ विद्या सिखाई है, कुछ स्किल सिखाए हैं, उसको इतिहास का, आजादी की लड़ाई का, इस देश के समाज का कोई भान नहीं है। वो व्हाट्सएप पर जुटा हुआ है और व्हाट्सएप पर जो उसको जबरन खिलाया जाता है वो खा लेता है, फिर उगल देता है। और ऐसे लोगों की संख्या आप सुनते हैं 20 करोड़ हो गई है हिंदुस्तान में, जो खाते हैं उगलते हैं, खाते हैं उगलते हैं, पता नहीं कि क्या खा रहे हैं और क्या उगल रहे हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है कि जिसमें हम अपनी नई पीढ़ी को भारत के विचार के प्रति जागृत करें, और ये काम अगर पत्रकारिता नहीं करे तो हम सब लोग, ये नागरिक कर्तव्य है और ये राष्ट्र के लिए हमारा कर्तव्य है। मैं रमेश जी को चाहूंगा कि ओम थानवी जी मुझे दिख रहे हैं, आप थानवी जी आए, आप इधर बड़ा अच्छा लगेगा, कृपया नहीं, वैसे भी आप कोई कम दुबले पतले नहीं है, खड़े खड़े थक जाएंगे, कृपया आइए मंच पर प्लीज। अब आप विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, मैं भी कुलपति हूं, आओ आइए आइए प्लीज। रवि जी, लेकिन मुझे तो राम बहादुर राय जी भी शायद अब नहीं दिख रहे हैं, मैं चाहता था कि वे भी बोले, क्योंकि मैं उस ट्रेंड को नहीं छोड़ना चाहता टीवी चैनल्स के, जिसमें अन्य पार्टियों के साथ साथ एक वैचारिक संगठन रखा किया जाता है संख्या दो करने के, तो मैं भी चाह रहा था कि एक संख्या तो यहां बनी रहे। कुछ साल पहले, शायद 1.5 साल पहले, मैंने एक शब्द गढ़ा था, एंकरनी टीवी चैनल की, एंकर और एंकरनी, और वो बहुत चला, और उस दिन से चला जब नोटबंदी की रात या कुछ दिन बाद एक एंकरनी जी बोल रही थी कि 2000 के नोट में चिप लगा है जो 100 फीट की गहराई तक भी अगर नोट को गाड़ दो तो सिग्नल दे देगा और आईटी डिपार्टमेंट वहां जाके नया 2000 का नोट पकड़ लेगा। अब हम लोग थोड़ा सा तकनीकी थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, तो मैंने कहा कि जिसको गड्ढा करना ही होगा वो 100 फीट का कर देगा, 100 फीट के बाद से तुम्हारी चिप कैसे चलेगी। लेकिन एंकरनी जी ने वो ज्ञान करीब 2 दिन तक पूरा बहारा, जब तक कि ये सब लोगों ने साबित नहीं कर दिया कि 2000 के नोट में कोई चिप नहीं। एक दिन बिहार विधानसभा के चुनाव का नतीजा आ रहा था 2015 का, तो शुरू शुरू में जो केंद्र की पार्टी का प्रतिपक्ष था बिहार में वो हार रहा था, शुरू का टेंडर हार रहा था, उसके गलत है जो भी हो, तो सब जगह 1.5 घंटा चला कि हार गए हार गए हार गए, और सब एंकर एंकर भी छह गए प्रफुल्लित मुलित मन से, रोशनी आ गई चेहरे पर। अचानक जब दूसरा ट्रेंड आया
तो जो खास दो तीन चार एंकर नहीं आए हैं, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ, मतलब मेरा मंतव्य किसी भी तरह का महिला स्त्री के पुरुष कुछ कहने का नहीं है, जैसा एंकर उसका स्त्रीलिंग एंकर नहीं। एंकर जी ने कहा, मैंने ध्यान से सुना, अभी अभी बुरी खबर आई है। अब अभी अभी बुरी खबर आई है तो किसकी भी बुरी खबर है, तुम तो एंकर नहीं हो, एंकर हो लेकिन निर्वाह, कोई चिंता का चिंता या शर्म नहीं। अभी अभी बुरी खबर आई है कि फलानी पार्टी हार रही, हारने लगी है। अब एंकर और एंकरनिया या टीवी चैनल पत्रकार संपादक, एक और गड़बड़ हो रही है कि पत्रकारिता मीडिया का स्वामित्व उन हाथों में आने लगा है और ज्यादा, जो विभिन्न धंधा करते हैं, ठेकेदार भी है, दवाई की का कारखाना भी है, ट्रक चलते हैं कई हजार, यूनिवर्सिटी भी बना रखी है और प्रबंध संपादक है, यानी मालिक संपादक है। अब उनकी किस धंधे के प्रति आस्था होती, पत्रकारिता के धंधे के प्रति या बाकी धंधों के प्रति? क्योंकि ये वो खुद कहते हैं, मुझसे खुद, एक जमाने में वो लिखता था विश्व का सबसे बड़ा हिंदी अखबार, अब वो हमारे शहर से पैदा हुआ, ग्वालियर से, मालिक के पिता के पिता मुझे जानते थे पुराने, मालिक उनके पौत्र हैं, तो उनसे उनके दिन मैंने वैसे आते रहते थे बात करने, मैं कैसा चल रहा है, मेरा बढ़िया चल रहा है, मेरे पत्रकारिता कैसी चल रही है, अखबार कि अखबार से बाकी सब चल रहे हैं, तो मैं कह रहा हमारे बच्चों को एक दिन बोल के बताओ कि अखबार से बाकी कैसे चलते हैं। तो सचमुच उन्होंने आगे दिन अखबार विद्यार्थियों को बताया कि सचमुच बताया, उन्हें हैरान दंग कि बड़ा सबसे बड़ा हिंदी अखबार का मालिक खुलेआम कह रहा है कि कैसे मैं अखबार से बाकी धंधे चलाता, यानी अखबार के कहते कैसे गुजरे, मैंने चाबी ऐसे की ठेका मिला। अब ये सब चीजें तो छोटी दिख रही है, अब बड़ी चीज हो गई है। बड़ी चीज ये है कि दुनिया के चौथे तीसरे पांचवे नंबर, जो भी उनका नंबर ऊपर पीछे होता रहे, वो सबसे अमीर रईस आदमी अब धीरे धीरे वो सारे मीडिया को टेक ओवर कर रहे हैं। उनका नाम आपको पता है, वो है जो ये हिमाकत कर सकते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े शीर्ष के आदमी के पीठ पे हाथ रखते हैं। ये पीठ पे हाथ प्रधानमंत्री के रखने की कोई हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए किसी से को, लेकिन ऐसा हो रहा है। फोटो छप रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की पत्नी हाथ कर ली ही कर रहे हैं। तुम इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े आदमी, और बता दू कि इंदिरा जी से ज्यादा पॉपुलर नहीं हो। इंदिरा जी ने 75 के बाद 77 में चुनाव कराया, बड़ी गलतफहमी थी, सबने कहा था कि भयानक रूप से आपको बहुमत मिलेगा, खुद हार गई थी। मैं उस चुनाव में था रायबरेली में, जिसमें रामनारायण जी ने हराया था। अटल जी से बड़े पॉपुलर नहीं हुआ, अटल जी का शाइनिंग इंडिया, तब जिस दिन नतीजा आया, शक्ल देखने लायक थी दो पितृ पुरुषों की भाजपा के, कि क्या हो गया। ये शाइनिंग इंडिया जब जनता धराशाही करती है तो ऐसे ही होता है, और गलतफहमी में मत रहना। इस देश के मतदाता, आप कितना ही संसद कर लो, कितने ही रोक लगा लो, लेकिन जिस दिन तय कर लेंगे, चुपके से इतिहास के इस कूड़ेदान में चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस भारत की उज्जवल परंपराएं लोकतंत्र की और पत्रकारिता की जो रही है, ये भागीदारी वाला लोकतंत्र,
ये जवाबदेह लोकतंत्र बनना चाहिए। आप उस संस्था को जो इतनी बड़ी सबसे बड़ी संस्था है यदि खत्म कर रहे हैं, मैंने कल लिखा ये है साक्षी महाराज शायद जिक्र आया आज तो है, आज मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है आखो महाराज बात ही ऐसी बोल दी। मैं तो किसी बाबा महाराज को कहो आखो करूं बात बोल दी कि बस 2019 का चुनाव हो जाए, 24 का चुनाव नहीं होने वाला है। इतना आसानी से मत कहिए आखो महाराज, इतना मत कहिए। ये देखिए ये करोड़ों लोगों का लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के माध्यम से ही आप बने हो। हम कांग्रेस के समर्थक नहीं है बता दूं मैं आपको, मैं अपनी जवानी में बैठे हैं जैन साहब काम है कम से कम 17 बार इंदिरा गांधी की जेल में रहा हूं। हम कांग्रेस के समर्थक नहीं है, तब भी सवाल करते थे और आज भी करेंगे, और तुम नहीं रहोगे जो आएगा उससे फिर करेंगे। ये सवाल ये आप ये सरकार की पारदर्शिता ये नीतियों पर प्रहार ये होते रहने चाहिए, यही भारत को राष्ट्र को मजबूत करेगा। ये जो बालाकोट का पूरा किस्सा हुआ मैं इसको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूं सारी चीजें, और सब फेक टोटल फेक, सारी इमेजेस फेक। एक कौवा तो नहीं पेड़ भी मरे, कौवा भी मरा, गड्ढा भी हुआ वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर के आसपास हुआ, लेकिन अगर मान लो नहीं भी हुआ है चूक गया कुछ बात हो गई तो उसको दोबारा कर देते, अरे अगले दिन कर देते। आप तो सर्वशक्तिमान है तो आपने तो जो नहीं हुआ उसी को लेकर उड़ गए। देखिए भारतीय लोकतंत्र में जान तभी रहेगी इस देश में जब इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा, जो सच के सिवाय किसी और चीज से हो नहीं सकता है। सच टिकेगा और झूठ खत्म होगा। आप सब लोग 8वें विमर्श में आए, राय साहब है कि नहीं, क्यों सुनते हैं राय साहब है नहीं आए, हम फिर चाहेंगे अगले विमर्श 9 में आप जरूर आए, फिर हम पत्रकारिता पर बैठेंगे और उम्मीद करिए कि जो आपके हाथ में जो निशान है वो भारत के हित के प्रति निशान लगे। किसी चीज को देना हो दीजिए, लेकिन सबसे पहले भारत हित की चिंता करिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। इधर आपके लिए चाय जरूर पिए क्योंकि हम लोग मिलेंगे जुलेंगे चाय के मौके पर ही, आइए सब लोग और अगले विमर्श में फिर जरूर आइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।